तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लेंगे एक कप कुटू का आटा, आप चाहें तो कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। अब हम ले लेंगे दो आलू मैश करे हुए, इसे हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, आप चाहे तो कटी हुई मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक धनिया कटा हुआ। इस डो को लगाने में हमें पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, आलू में जो मॉइस्चर होता है उसी से हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। इसे हम मैश कर लेंगे आलू को और इस तरह से मिलाते जाएंगे। अगर आपको आटे में आलू कम लग रहे हैं तो आप इसमें आलू बढ़ा सकते हैं, फिर भी आपका ये डो लगकर तैयार नहीं हो रहा है तो आप इसमें पानी की छींटे मार सकते हैं। ये देखिए डो लगकर तैयार है। थोड़ा और स्मूथ करने के लिए हम इसमें आधा चम्मच तेल ले लेंगे और इसको चिकना कर लेंगे। ये देखिए डो लगकर तैयार है और इसको बेल लेंगे। इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे क्योंकि ये जो है पूड़ी है वो किनारे से फटने लगती है, तो इसे हम छोटा ही बेलेंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एक एक करके पूड़ियों को डाल देंगे। पूड़ियाँ एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी हैं तो अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए पूड़ियाँ बन चुकी हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम जो बची हुई पूड़ियाँ हैं वो भी हम इस तरह से इसमें सेक लेंगे। ऐसे ही हम सारी पूड़ियों को इस तरह से निकाल लेंगे। ये पूड़ियाँ इसलिए नहीं फूलती हैं क्योंकि इसमें आलू होते हैं। इन पूड़ियों को भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम एक पैन में एक चौथाई कप तेल ले लेंगे और आधा चम्मच उसमें डाल देंगे जीरा और ये कटी हुई मिर्च लंबे सेब में चार लिए हमने, और ये कड़ी पत्ता 8 से 10। कड़ी पत्ता से क्या होता है कि इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं 50 ग्राम, इसे हमने पहले ही रोस्ट कर लिया। 4 बड़े आलू जिसे हमने मैश कर लिया और अच्छे से अब हम इसे मिला लेंगे। एक मिक्सी के जार में अब हम लेंगे मूंगफली के दाने, इसे हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था। इसे देखिए हमने दरदरा पीस लिया है, याद रखें कि आपको इसे बारीक नहीं पीसना है। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें सेंधा नमक, अब ये मूंगफली पाउडर जो हमने दरदरा पीसा हुआ है, मूंगफली डालने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं थोड़े से, इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इन सारी चीज़ों को एक थाली में सर्व कर लेंगे। सबसे पहले हम आलू रखेंगे थाली में, इसके बाद हम रखेंगे इसमें आधा कप दही, आप चाहें तो इसमें व्रत के आलू के चिप्स भी रख सकते हैं, और ये पूड़ियाँ। अब हम दही के ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। ये